हर किसी के अपने गोल्स होते हैं जो उसने अचीव करने होते हैं, और सबको ये कहना चाहूंगी कि आपने अपने अंदर बिलीव रखना है कि आपने क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं। मैं ये खास तौर पे कहना चाहूंगा कि पावर्टी से निकलने का वाहिद रास्ता तालीम है। तालीम, अगर आप अपनी तालीम में इंटरेस्ट रखेंगे, ये कल को आप जरूर जो है एक से ज्यादा तरीकों से पे करेगी। जब एक छोटी सी एज में थी, मैं 5 साल की थी जब मैंने अपना एक पहला कंपटीशन खेला था, नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप। मैं एक नेशनल स्विमर भी हूँ, मैं एक इंटरनेशनल डिबेटर भी हूँ। अब ये सारी अचीवमेंट्स जो मेरे पास हैं, मैं जब 5 साल की थी तो मैंने अपना पहला नेशनल खेला, मैं 18 साल की हूँ, इतने साल से मैं अपनी नेशनल्स खेलती आ रही हूँ। बीच में मैंने इंटरनेशनल MUNs में भी पार्ट लिया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस में पार्ट लिया हुआ है। सच्ची बात यह है कि मैं किसान का बेटा हूँ, फिर मैं अच्छा स्टूडेंट रहा, और उस सारी चीज़ में मुझे यही वाली चीज़ थी कि मुझे कल को कुछ बनना है। जो चेंजिंग मोमेंट्स हैं उनमें एक मेरा कायदे आज़म यूनिवर्सिटी आना है, जो बिलाशुबा पाकिस्तान की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसी ने मुझे वो अंगेख दी कि अल्लाह ताला ने मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने का मौका दिया, और वहीं से दहकान ज़ादे से अल्लाह ताला ने फिर जो आज मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ। आप लोगों को पता है कि हम लोगों के गोल्स क्या हैं, हम लोगों के बिलीव्स क्या हैं। हमें किसी और को सेटिस्फाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों को ये करना है, हम लोगों को वो करना है, क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाते हैं कि आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है और आपने क्या अचीव करना है, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आपको जो है वो बिल्कुल भी अपने गोल्स जाने की तरफ रोकती नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है वो आपकी हिम्मत ना हारना। हिम्मत से आप लगे रहें, हाथ पांव हिलाते रहें, ये सिस्टम इंशाल्लाह जो है वो आपको ज़रूर जो है कामयाबी अता करेगा। मैं सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप स्ट्रगल करें, और स्ट्रगल के बगैर कोई चीज़ नहीं है। आप स्ट्रगल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मैं सबको यही जो है कि आप अपने बच्चों को भी देखें, स्पोर्ट्स की तरफ ले जाएंगे तो हमारे और जो एक्टिविटीज़ हैं इससे बच्चे बच जाएंगे।